awesome. Please ensure that you wear your face mask before boarding the flight. Please ensure to carry all your personal belongings before proceeding to the aircraft. Thank you. ये जी थोड़ा सा दोहा एयरपोर्ट और फिर छिपकली मारने का कारनामा देखें। ने प्रेशर कुकर का इफ्तिताह विद टींडे गोश्त। ये देखिए जी, हम आए थे सरवर भाई को मिलने के लिए, तो उन्होंने ये देखे कि अलबारक मॉल वाले सरवर भाई जो हमारे के बड़े भाई हैं, उन्होंने हमारे लिए ये खाने का इंतजाम किया है लंच में बच्चों के साथ। ये आपको बच्चे भी बैठे नज़र आ रहे होंगे सारे इधर अपनी अपनी प्लेटों को लेकर, और ये खुद सर्व कर रहे हैं सारे बच्चों को। थैंक यू। ये देखें जी, ये रोल है, तो ये बहुत ज्यादा मंगवा रही है सरवर भाई आप। Are you Halima, will you be able to finish it? ये देखें, yes we will do. Start करें। बस बस और नहीं भाई, बहुत ज्यादा है, मैं तो उसी के साथ शेयर करूंगी। ये हम शेयर कर देते हैं हम दोनों। ले 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 सारी चीजें रख, हमारा शेयर कर देते हैं वो मैं से। ऐसे खाओ जैसे वो कर रहा है अदन अभी, पता नहीं क्या नाम अदीन। ये टू स्लाइसेस है, एक ही फेवरेट सर मां उधर तो बेटा कैच वो नीचे तो नहीं गिरा। नहीं नहीं बच गया। चलो जी, माशाल्लाह देख दिलवाई, और ऐ बस रह गए जे चावल। ऐ देखो मासी बिरयानी बनाई उन्हें, पुलाव बिरयानी बच्चे ने खा लिया माशाल्लाह। सही है, एदे विच ही वड़ जा ले जो नहीं बाबू जी। बिस्मिल्लाह, बाबू थक जाएगा। बिस्मिल्लाह। अबू जी कुर्सी मुझ पाके दमा किना ना, अबू जी ने फिर कुर्सी ले आके दे। सारे मंजी ना भांदे ही हो। ओ वो कैसे अंदर जाती है, बस सही। ये देखिए पहचान है, ये कौन है? हाँ जाना है, पर जिटाम बथेरा है बुजी, जी। फिर हम बच्चों को लेके बाहर आए, और ये देखें रेहड़ियाँ मैकेनियाँ लैनो लैन हैं, तो बंदे देखो कैसे कहते हैं कारीगर हैं, खलो के रेहड़ियाँ चलाते पे सन माशाल्लाह। टैलेंट चेक करो साढ़े पाकिस्तान से कितना टैलेंट है, बच्चे बहुत खुश होके हैं। बहुत जीवा यहाँ तो हमें जू जो है खुला डुला देखने को मिल गया है। इतने तो भाई पैसे दे के हर शह वेखनी पैंती है, उन्होंने खोते घोड़े ऊँट, ये देखे ऊँट भी इन्होंने देखे, तो बच्चे बहुत खुश। बच्चों का ट्रिप माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त यादगार जी बन रहा था। फिर हम ये रेस्टोरेंट आए, और ये बहुत ज़बरदस्त रेस्टोरेंट था। खैर से माशाल्लाह चाइनीज़ राइस, बच्चों ने बर्गर भी मंगवाए, हमने मिक्सड बारबेक्यू भी मंगवाया, तो भाई हरे पीले पीले नीले कबाब, शीश कबाब, तो शामी कबाब, ज़बरदस्त शानदार फूड था माशाल्लाह से, और ख़ूब इंजॉय किया बच्चों ने। नान के साथ खाया, मलाई बोटी थी, और भी बहुत कुछ थी जी उन्हें याद नहीं,
और फिर ड्रिंक्स भी मंगवाई हमने, ड्रिंक्स भी बहुत आला किस्म की थी, बच्चों ने मिल्क शेक पिए और हमने वो मिंट मार्ट जो है वो मंगवाया और वो हमने पिया। तो वो भी आपको नज़र आएगा, तो देखते रहें। ये अम्मी हलीमा के किचन का कुछ पाकिस्तान की यादें, और करें आप इनको इंजॉय जी। देखो जी माशाल्लाह से मिल्क शेक था, और इन्होंने साइड पर ऊपर ग्लास के शुगर कोटिंग की हुई थी जो कि अनयूजुअल थी, पर ज़बरदस्त और मज़ेदार जो है वो टेस्ट दे रही थी। और ये सारे तकरीबन इस व्लॉग में तुम्हें खाना पीना ही नज़र आएगा जी। तो चलो जी इंजॉय करो फिर। और फिर हमने ये तवा आइसक्रीम, देखो जी तवा आइसक्रीम हमने खाई, ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी, और बच्चों के लिए एक कहते हैं ना एक मतलब के सामने चीज़ बनती देखना, तो फ्रेश बनदियाँ देखना उनके लिए अनयूजुअल था। तो बड़ा इंजॉय किया और सब ने अपने अपने फ्लेवर की आइसक्रीम ऑर्डर की। और देखो जी माशाल्लाह लोग ज़्यादा थे हम, तो सब ने अपने अपने फ्लेवर की आइसक्रीम ऑर्डर की, तो माशाल्लाह खाती तो बहुत बहुत इंजॉय किया। और बस यही होता है जी बंदा मिलजुल के तुसी मिल बांट के खा पी लो, तो ज़रा चार लफ्ज़ खुशी दे बोल लो, किसी ने खुश कर दो, तो वो आपका जो है मेमोरी बन जाती है, याद बन जाती है। तो ये है हमारी खाने पीने की भी यादें, और आगे भी तुम्हें खाना पीना ही नज़र आएगा क्योंकि ये फुल टोटल फुल होगी खान पीन दिया शैमा ते जी माशाल्लाह। जी फिर हम आए थे यहाँ लाहौर में, पीसी होटल में स्टे किया था, और उसका आपको थोड़ा सा टूर करवाते हैं जी। ये देखिए बाथरूम था, खुला डुल्ला बाथरूम, बाथटब भी, शावर भी, बच्चों के साथ अब्बू जी के साथ हम आए थे, तो स्टे किया था यहाँ हमने एक दो दिन तकरीबन। और इसकी भी जो है थोड़ी सी वीडियो बनाई थी कि आपको जो है पीसी होटल का भी नज़ारा करवाया जाए। तो अच्छा ट्रिप रहा, शानदार ट्रिप रहा हमारा माशाल्लाह। तो बस वही कहा ना कि अल्लाह खुशियों खुशियों वाले टाइम लेकर आए, खुशियाँ देखिए, खुशियाँ वंडिए, तो महसूस करें एक दूसरे की खुशियाँ। तो बस ये देखें जी बेड सी माशाल्लाह, साफ़ सुथरा बेड सी, तो ये कमरा भी खुला डुल्ला सी, जाए नमाज भी रखा हुआ था इन्होंने, कुरान पाक भी रखा हुआ था जो कि देख के बहुत अच्छा लगा। और ये जी दो रूम हमने किए थे क्योंकि मेरी छोटी सिस्टर भी मेरे साथ गई थी, मैं अब्बू हमारे बच्चे मेरी सिस्टर के बच्चे, हमने दो रूम एक साथ जो थे जिनका बस एक दरवाज़ा सी जी, एक दरवाज़े से उनके कमरे में, तो दूजे दरवाजे तो साढ़े कमरे च हाल सी। तो बच्चों ने मैं कह रही हाँ कहते हैं ना पार्टी हो रही है, तो बच्चों ने सही पार्टी जो है इंजॉय की और सही पार्टी से लुत्फानंदोज़ हुए। तो ऐ जी कमरा देखे, हमें वैसे सफाई सुथराई का ख्याल अपने घरों में भी करना चाहिए, तो ऐ देखो कमरा साफ़ सुथरा रखा सी, हूँ तुम दूसरे जो कमरे का सिचुएशन है, दूसरे कमरे का हाल है आपको वो भी दिखाते हैं। तो ये हम इधर से दूसरे कमरे में, सामान हमने सारा दूसरे कमरे में रखा हुआ था, ये बुजी का बेड था और वो बेड थे सारे, बस नहीं तुम्हें दिखाया ऊपर ऊपर क्योंकि सारे आराम फरमा रहे सन। फिर हम गए पैकेजेस मॉल, देखो जी इन्होंने लिए ये स्मोकी क्या कहते हैं उसको चीटोज थे, और ये इन्होंने बुजी को खिलाए, तो बुजी कहते हैं हाय 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 ऐ कड़ी शह ना कुछ जायका तो ना कुछ, बस जरा धुआं निकलता से ना वह एक करतब से तो एक कमाल से, बाकी तो शायद फोकी सी कोई जायका नहीं जो है। हाँ तो वो नाना को खिला खिला के खुश होते थे, हंसते थे कि नाना वो देखो क्या करते हैं। हाँ बस जी यादा इन्हें यादा है भी जी पीसी होटल, लिफ्ट के जरिए आपका शैंडेलियर दिखाएं, देखो किन्नी है बिल, इन्हों वैसे कि आता है बिल सोचो जरा, इन्ने बल्ब बलते ने इन्ह के सेम टाइम। और ये हम गए थे ब्रेकफास्ट के लिए, तो इंजॉय करो तुसी ब्रेकफास्ट।
Second, I'm just making a video for you. Boiled eggs, chicken nehari, chenne, potato bhaji, naan and ये जो नहीं आ सके उनको लिए भेज रहे ताकि उनको जरा दुख हो। लगी घर में की ओन सैंडविच the green cabbages. No, look at this one with the sauce and it's the brown bread and stuff. And in here we have beans, rice, and scrambled egg, poached egg, sorry. Parathas, more parathas. Parathas inside. पराठा आलू पराठा है एंड कीमा पराठा है जी। फिर हम आए चाशनी, क्योंकि हमने घर वापस जाना था तो सोचा कुछ मीठा लेकर घर वापस जाया जाए। तो ऐ देखो जी, चाशनी आए, मैं कहनी हाँ मिठाई की कोई वैरायटी थी ज़बरदस्त, जड़ा खा ले मैं कहनी हाँ वो उस वक्त तो शुगर हो जाए है बड़ी मिठाई थी ओए होए, मैं कहनी हाँ खाए बगैर ही तुम वेख के शुगर हो जाए, इतना मीठा था। पर वैरायटी ज़बरदस्त थी। अब्बू ने अपनी पसंद की माशाल्लाह, अब्बू जी ने चूज़ की ली, फिर हम जो है अपने घर लेके गए माशाल्लाह। तो ये देखें आपको जो है चाशनी का जो है टूर करवाते हैं जी। ये देखो और ये इन्होंने और जो टोकरियाँ या ट्रे जो सजाई होती हैं, डिब्बे थे इनके शानदार, इनका बकलावा भी बहुत ज़बरदस्त था। तो ज़बरदस्त बहुत महंगी शॉप है, बहुत महंगी, पर यह कि ऐसी थोड़ी जी ले सी कि जड़ी सी टेस्ट कर सकी। तो ये देखिए इनके बिस्किट भी थे, तो मैंने कहा आपको जो है ज़रा घूम फिर के चाशनी भी दिखा दीजिए। तो जी ये कोई प्रमोशन नहीं सी है, हम वैसे ही गए थे और ख़रीदा था और सोचा कि आपको भी थोड़ा सा दिखाया जाए। तो यह देखो जी इनके डिब्बे शादियों के लिए जो इन्होंने सप्लाई करना होता है सारा सामान, और मिठाई माशाल्लाह मैं कहनी हाँ A1 सी, पर बहुत मीठा सी जी बस। तो अभी हम जब हम दूसरी साइड पे गए इनकी पे, तो वहाँ हमने देखा कि हॉकी लगी हुई थी दीवार पर, और हॉकी पे तमाम हॉकी प्लेयर्स के सिग्नेचर थे, और एक शर्ट लगी हुई थी और उस शर्ट पे भी तमाम जो हॉकी प्लेयर्स थे उनके सिग्नेचर थे। तो तुम हमें फैनियाँ भी नज़र आ रही हैं, ऐ देखो जी फैनियाँ, लड्डू मैं कहनी इनके ये ज़बरदस्त थे भाई, मैंने ऐसे लड्डू कभी नहीं खाए, शानदार किस्म के लड्डू थे माशाल्लाह से। तो ये थी इनकी सारी मिठा ही हो गया जी, टू मच मिठा। अब तुम हॉकी नज़र आएगी, ऐ देखो, और ये हॉकी प्लेयर्स के सिग्नेचर से जो क्वाइट अनयूजुअल चीज़ थी एक मिठाई की शॉप पर देखना, पर ज़बरदस्त था। और फिर उन्होंने जो शर्ट लगाई हुई थी दीवार पर फ्रेम करवा के, उस पर भी हॉकी के प्लेयर्स के सिग्नेचर थे, अलीम के, हसन के, फैसल के, और पता नहीं केड़े केड़े सी जुबैर के, और इमरान भट्ट साहब के। ऐ देखो जी, तो ज़बरदस्त हो गया ना। फिर इसको कहते होते हैं कैप्चर करना सही मौके पे। तो अब्बू जी साथ ही नीचे बैठे हुए थे, तो हमने थोड़ा सा अब्बू जी को भी लिया माशाल्लाह बीच में। और ये थी हमारी जो है खैर से चाशनी का ट्रिप, और ये उन्होंने थोड़े से कहते हैं ना क्या कही दा हुंदा वे इन्हां नूं डेकोरेशन दे पीस और रखे हुए थे ऐसे टेबल सजा के, पुराने ज़माने की चीज़ें रखी हुई थी, कदीम ज़माने की एंटीक्स टाइप। तो ये भी जो थी देखने लायक थी, ज़बरदस्त थी।
और ये था जी साढ़ा और ये फिर हम होटल वापस आए और अब सुने क्या है मंगवाया है चुकोरिया की रोटियां देखो जरा रोटी कैसी है ये देखो सालन हां ये रोटियां ने और ये अब्बू का जैसा सालन है ये सलाद है रायता है रुतपिक है क्योंकि असि ते बाहर जाना में ना अब्बू नु खाना कमरे च मंगवा छड्या वे अब्बू आराम नाल ना इंशाल्लाह खाएं कैसा फिर अब्बू जी बहुत अच्छा जी बहुत अच्छा खाना माशाल्लाह मेरा दो दिन का खाना है चलो जी माशाल्लाह बड़ी रौनक लगी माशाल्लाह खाना बहुत सैर सैर सपाटे जी फिर हम बच्चों को लेके लाहौर जू में गए बच्चों ने मैं कहनी हाँ गर्मी भी बहुत सी पर घूमन फिरन तो इनकार नहीं किया तो माशाल्लाह पूरा जू फिरया टुरया इंजॉय किया और जो है यादें होती हैं बच्चों को लेके जब हम जाते हैं दूसरे मुल्क में तो यही यादें होती हैं फिर बच्चे यहाँ आके अपने फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ शेयर करते हैं कि असी भाई असी शेर भी वेख्या असी चीता भी वेख्या असी ऊँट भी वेख्या असी मतलब कि हिरन जो मतलब कि उनके लिए एक नई चीज़ एक्साइटिंग चीज़ होती है वो ज़रूर अपनी फैमिली के साथ फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं तो तुम यकीन जानो मुझे वापस आए हुए 2-2.5 महीने हो चुके हैं तकरीबन पाकिस्तान से और अभी तक बच्चे जो हैं पाकिस्तान की बातें जो हैं ख़त्म नहीं हो रही हैं पाकिस्तान की यादें बातें पाकिस्तान में जो उन्होंने किया जो फ़न किया जो मौज उन्होंने की उसका जिक्र अभी तक जो है होता है और माशाल्लाह खुश होकर कहते हैं पॉजिटिविटी जो है वो शो करते हैं बच्चे जो है वो उन्हें कोई नहीं कि भाई इतनी गर्मी जैसे पाकिस्तान की ऐसा ऐ देखो जी हाँ ओए ओ बच्चा खारिश कर रहा था जा रहा है दौड़ता फिर वापस आता है फिर जाता फिर वापस आता है चलो बस ये देखें जी हमें एम्पीरियम मेरे ख्याल में यही नाम है इसका मॉल पे आए हुए हैं ये देखो बारबेक्यू टुनाइट है और हाउडी भी है इधर शॉप्स आर नॉट ओपन येट ये देखें जी अब्बू का भी मसाज करवा के आए हैं अब्बू को मेक अ वीडियो आपको अगर कैमरे से बना के पेंट पे दे नहीं ये क्या है अरे कौन सी डिंग हाँ हाँ एक और रखो दूसरे शोल्डर पे दूसरा रखो सेपरेट है हाँ ऐसे हाँ सेपरेट चेंज हाँ ठीक है तीसरा रह गया कॉफी हाँ पीछे मैं वीडियो में पीछे नो फाइन थोड़ी सी स्माइल करो बैकग्राउंड थोड़ा सा दे उठा रहे दूसरे वाला उठा रहे वो लोग कहते सोने से भी साथ में पिक्चर्स भी खींचो जी ये एम्पोरियम मॉल में एक शॉप थी बहुत बड़ी जिसमें हर तरह की जो थी चीज़ें मौजूद थी हमने अब्बू जी को ज़ाहिर है इतना वो चल फिर नहीं सकते थे तो व्हील चेयर में बस ऐसे ही बैठाया कि चलो ज़रा घुमा फिरा लिए तो ताकि जो है वो भी जो है इंजॉय करें वो भी देखे कि दुनिया ने कितनी तरक्की कर ली है शैमा कैसियाँ कैसियाँ नवियाँ आ गई हुई ने तो और शॉप्स अंदर से तो अच्छा लगता है जब वो देखते खुश होते देख के कहते वो ऐ की ऐ देखो ना ऐ की तो देखें बड़ा अच्छा माशाल्लाह जो था नाइस हमने यहाँ से कुछ चीज़ें भी लीं और बस यही है जो है ज़माना बहुत एडवांस हो चुका है चीज़ें बहुत आगे जा चुकी हैं वक्त जो है जो पुराने वक्तों के लोग हैं उनके लिए ये चीज़ें बहुत वो कहते हैं ना की कई दावे लफज शॉकिंग है कि इतना कुछ बदल गया है तो जो नेचुरल चीज़ें नहीं रही हैं
चीज़ों ने बहुत मतलब कि स्पीड के साथ तरक्की की है, तो उनके लिए क्वाइट शॉकिंग है। तो देखो जी, बस ये स्क्रैबल ली हमने, यहाँ से स्क्रैबल खरीदी थी, और बस ऐस जी साडा जी ओवरऑल ऐस शॉप का जैसी टूर। ये सारी वीडियोज़ आपको नज़र आ रही होगी, मेरी बच्चियों ने बना के मुझे कहा कि ये भी लगाएं जी, तो लो जी इंजॉय करो। ये देखें जी, हम मॉल का क्या नाम है, एम्पोरियम मॉल। ये एम्पोरियम मॉल में लंच करें, लंच और हमने एक खूबसूरत सीन कैप्चर किया बारिश में रात का जी, देखो जरा तो एंजॉय करो। बिजली वे हो, बिजली कैसे है? ये देखें जी, जी ये अगले दिन का सीन है, हम कब्रिस्तान आए उस तूफान और बारिश के बाद। तो ये भी देखें जरा, बहुत कब्रिस्तान का तो हाल वे हाल है, वो कब्र कहती ये देखें जी, हम सहन में बैठे हैं, ये वाला है चौंसा, ये वाला है लंगड़ाम, वो देखें हमारे क्या कहते हैं उसको जामुन, ये कुर्बानी है, और ये देसी आलू बुखारा। ये देखें जी देसी आलू बुखारे की शक्ल, छोटे छोटे होते हैं पर मीठे होते हैं अंदर से। अब हम ये खाएंगे अबू जी के साथ। देखो जी हम लंच करने लगे हैं, लंच के बाद का और लंच जी, होर खाना ते होर खाना। ये इस हमने एक दिन में नहीं खाया, ये पूरे ट्रिप का खाना है जो खाया गया था। ये चाइनीज़ राइस थे, बारबेक्यू चिकन था, और ये हमने माशाल्लाह खाया, खूब बच्चों ने इंजॉय किया, मलाई बोटी थी और ज़बरदस्त था। हम ऊपर छत पे बैठे थे और हवा चल रही थी, साथ सैलड और ऊपर उन्होंने डाला हुआ था कोई मसाला, अल्लाह जाने कड़ा मसाला पाया सी, मज़ेदार बहुत सी। तो ये देखें जी चाइनीज़ राइस बहुत ज़बरदस्त, मेरे बच्चों के फेवरेट, उनको पाकिस्तान में चाइनीज़ राइस बहुत पसंद आए। और ये चिकन लेग टिक्का था, तो इतना इसका क्लियर नहीं है क्योंकि रात थी और लाइट जो है पाकिस्तान च तुम तो पता है फिर लाइटनिंग के लिए होती है। तो यह देखो हवा चल रही थी, मौसम बड़ा सुहाना, बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा शानदार था माशाल्लाह। और ये था बच्चों का यादगार ट्रिप, ये सारे जो पूरे ट्रिप का निचोड़ था जिसकी हमने वीडियो बनाई और आपको मैं दिखा रही हूँ। और ये देखें जी मीठे चावल, इंजॉय करें। ये मीठे चावल बना के लेकर आई हैं, देखें जरा शानदार हैं। मैं कहनी हूँ रिश्तेदारी ऐसी होनी चाहिए, मीठी मीठी ऊपर अंडों और बादामों के साथ। ये बुजी खाने लगे हैं माशाल्लाह से। देखो जी बच्चे, इधर ऊँट की कुर्बानी का राश, हाँ बस इतना सही, ज़्यादा नहीं आप बाबा